क्या है जो 20 रा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो, यानी सबसे डिफरेंट यही है जो 20 रा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो। जैसे क्वेश्चन है, एक 8 सेंटीमीटर लंबी रेखा एच इज द बीपी से क्रमशः 30 और 45 का कोण बनाती है। यदि रेखा का एक सिरा एचपी से 1 सेंटीमीटर नीचे तब बीपी से 2.5 सेंटीमीटर पीछे स्थित है, तब यदि बिंदु बी पृथ्वी मतलब चतुर्थांश में हो तब रेखा के प्रक्षेप खींचो। क्या करना है इसमें, एक्स वाई रेखा खींची, एचपी बीपी डाला। क्या कह रहा है, एचपी से 1 सेंटीमीटर नीचे, यानी एचपी से 1 सेंटीमीटर नीचे और बीपी से 2.5 सेंटीमीटर पीछे, 2.5 सेंटीमीटर पीछे, और दोनों समांतर लाइन खींच देंगे। इतना तो करना है। अब क्या कह रहा है, एचपी से 30 एंगल, अभी एचपी से 30 एंगल इधर बनाते थे, लेकिन अब कह रखा है कि 20 रा जो यहाँ प्राप्त होता था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट प्राप्त हो, इसलिए एंगल यहाँ ना बना के इसका एंगल इधर बनाते, इधर से 30, क्योंकि मुझे इसका 20 रा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए। तो यहाँ बनाएंगे एचपी से 30 एंगल पे रेखा खींचे, कितनी लंबाई की 8 सेंटीमीटर रेखा खींचे यहाँ पर। दूसरा कह रहा है बीपी से 45, तो बीपी से भी अगर इधर बनाते थे अब इधर ना बना के इधर बनाएंगे, यानी 45 यहाँ पर रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर। 45 बनाने के बाद इतना दिया गया था हमें, अब क्या करेंगे, ये ऊपर वाली लाइन थी इसका पॉइंट नीचे आता था, यानी इस तरह आता था, तो अभी वही प्रक्रिया है, ऊपर वाली लाइन का प्रक्षेप नीचे वाली लाइन से ही मिलाएंगे। इसी तरह ये ऊपर नीचे वाली लाइन थी इसका प्रक्षेप ऊपर जाता था, ये नीचे वाली लाइन है तो इसका प्रक्षेप ऊपर ही मिलाएंगे, दोनों को समांतर रेखा खींचेगी। फिर क्या करना है, यहाँ पेंसिल की नोक रखनी यहाँ पर और इसी लाइन पे जहाँ पॉइंट मिला वहां प्रकार की नोक, और इस तरह से इसको चाप लगा देंगे। फिर यहाँ रखेंगे पेंसिल की नोक और यहाँ पर रखेंगे प्रकार की नोक यहाँ पर, और इस तरह से जहाँ पर ये नीचे तरफ माना है तो इसका इस तरह से चाप, ये दोनों रेखा जहाँ काटने वाली लाइन खींच देंगे। और ये जो प्राप्त, देखो ये पॉइंट जो प्राप्त हुआ है वो इस पॉइंट से मिलाएंगे, इस पॉइंट से जो ये वाला प्राप्त हुआ है ये वाला इसको मिलाएंगे यहाँ से, ये पॉइंट हो गया इसका। हाँ पता है इसका पॉइंट बी है, ये कह रखा है बी, यदि बिंदु बी है जो प्रथम चतुर्थांश में, देखो बी में प्रथम चतुर्थांश में कर दिया, तो कैसे हो गया, मैंने यहाँ बीपी अपॉन एचपी लिख दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट बीपी अपॉन एचपी होता है तो यहाँ लिख दिया, प्रथम चतुर्थांश में बी हो गया। यदि यहाँ बी हो गया तो इसके साथ में ए होगा, यहाँ होगा ए डैश, यहाँ पर होगा बी डैश। अब इन दोनों में जो पहले पॉइंट मिले जहाँ से घूमना स्टार्ट किया, एक घूमना यहाँ स्टार्ट किया एक यहाँ पर, इधर से देखेंगे जो पहले मिले, यानी ये पहले मिला इसे किया बी वन, और जहाँ घूम के पहुंच जाए यानी यहाँ से यहाँ वो हो गया बी वन डैश। दूसरा ये है बी टू, और जहां घूम के पहुंच जाए बी टू डैश। इसका प्लान अभी ऊपर प्राप्त होता था, अब प्लान कहाँ प्राप्त हुआ जाके, ये, और ये इसका हो गया एलिवेशन। इस तरह से सातवां टाइप जो था वो सबसे डिफरेंट था, इस तरह सॉल्व होता है।